अगर आप भी सुरेश रैना को एक महान ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल नीलामी की सबसे बड़ी खबर सुरेश रैना रहे हैं, जिनके ऊपर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई और अब उनको लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वहीं उनके साथ हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा करने वाले एस सृष्टि संत भी एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। आखिर ऐसा कौन सा ऐलान करने वाले हैं ये दोनों खिलाड़ी, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी में से शानदार खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने सालों तक इंडियन टीम की पूरी जान लगाकर सेवा की है। बल्ला हो या गेंद हो या फिर मैदान पर क्षेत्र रक्षक की बारी हो, उन्होंने हर विभाग में टीम इंडिया के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी निस्वार्थ भाव से सालों से उनके लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद इस बार की हुई आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी मेगा नीलामी में उनके ऊपर ना किसी टीम ने बोली लगाई और ना ही चेन्नई की टीम ने उनको बैक किया। और अब ऐसा लग रहा है कि सुरेश रैना का दिल इंडियन क्रिकेट से भर गया है, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उनके साथ एस श्रीसंत ने भी अपने करियर का एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि सुरेश रैना और एस श्रीसंत जल्द ही USA की तरफ से अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, भारतीय क्रिकेट में हो रहे अपमान के बाद अब वो जल्द ही UAE की टीम से जुड़ सकते हैं। काफी समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुरेश रैना BCCI को इसलिए राजी करने वाले थे कि जो खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर क्लब क्रिकेट या किसी और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एस श्रीसंत और सुरेश रैना USA जाने का मन बना चुके हैं, क्योंकि ना उनको भारतीय टीम से संन्यास लेने के बाद सम्मान मिला और ना ही चेन्नई की तरफ से उनको सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने ये कड़ा फैसला लिया है। दोस्तों कहीं ना कहीं सुरेश रैना का ये कदम जायज भी है, क्योंकि कई ऐसे महान खिलाड़ी रहे हैं जिनको या तो भारतीय टीम या IPL की फ्रेंचाइजियों ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, जिसमें एक बड़ा नाम भारत को विश्व कप दिलाने वाले युवराज सिंह का भी है, जिनको संन्यास के बाद पूछा तक नहीं गया। कि वहीं अगर दूसरी तरफ एस श्रीसंत की बात करें तो उन्होंने सालों से भारतीय टीम में अपनी वापसी के लिए जमकर मेहनत की है, लेकिन मैच फिक्सिंग के बाद उनसे उनके वापसी के सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन अब उन्होंने USA जाने का पूरा मन बना लिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सुरेश रैना और श्रीसंत का ये फैसला सही है या नहीं? आप अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।